लोग खाएंगे पूजा के हाथ का विलेज स्टाइल सोयाबीन मोमोज। तनी अपन अपन मुंह दिखावा लोगन दोनों जने। फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ ऊपर यहाँ पर। वाह, आशीर्वाद ले लीजिए बाबा जी का, खूब पढ़ो आगे बढ़ो। हम के पीछे लड़ाई यही पूछा था भाई मम्मी, ये तो बोला है। कौन है भाई, कौन है कौन है कौन है, मेरी छून परी है। गुड आफ्टरनून गाइस, और टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं, और ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग बैठे हुए हैं, मेरी छोना परी है यहाँ पे, ये बड़ी छोना परी है ऊपर। सोना के जिद पर जो है कि पूजा जो है मौसी को इतना परेशान कर रही थी, कितना दिन से आई थी, कह रही थी मौसी मोमोज बनाओ, तो पूजा जो है मोमोज बना रही है। तो आज अभी मिलेगा गर्मा गर्म खाने के लिए मोमोज, सोयाबीन मोमोज बना रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आज घर में बहुत अच्छा अच्छा बनेगा खाने के लिए, और छोटी मौसी सोना की जो है मोमोज बनाएंगी, और बड़ी मौसी बनाने जा रही कचौरी, तो मूंग दाल की कचौरी भी मिलेगी शाम को खाने के लिए। तो आज बहुत खुश है कि कुछ बन रहा है खाने के लिए। दिखा दो पूजा अपन मुआ। तो ये देखिए गाइस, ये है मैदा ना पूजा, कुछ डाली हो इसमें क्या? अच्छा, तो गाइस इसमें पूजा ने ना हल्का सा नमक और रिफाइंड डाल के जो है कि गूथ रही है आटा। और इधर देखिए ये है सोयाबीन, तो सोयाबीन को भिगो दिया था, इसको निचोड़ के अच्छे से फिर ये क्रश कर लिया गया ना पूजा। तो अभी आटा गूथा जाएगा, और इसमें क्या क्या पड़ेगा? प्याज मिर्ची अदरक लहसुन सब पड़ेगा, और ये है टमाटर, सूखी मिर्च है, तो ये चटनी बनेगी। एक मौसी सोना की ये तैयारी कर रखी है, तो ये मूंग दाल भिगो दी है, अब इसको ये अभी पीस उस के जो है कि इसको ही बनेगी शाम को कचौरी। तो गाइस पूजा अभी जो है कि गूथ रही है, अभी गूथ लेगी, तब उसके बाद जो है कि मोमोस बनाया जाएगा, तो मैं बनवा दूंगी, फिर तैयार करेंगे। हमारे प्याज व्याज सब कट गई है, तो अब इसे जो है ना पूजा जो है ना भूनने जा रही है। तो ऑयल रख दिया, मस्टर्ड ऑयल, और इसमें देखिए डाल रही जीरा। गाइस जीरा पड़ गया, आप क्या डालेंगे पूजा? प्याज और मिर्ची। गाइस प्याज और मिर्ची पूजा डाल के भून रही है जीरा का तड़का देके, अभी उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन होगा, फिर उसके बाद डाल जाएगा सोयाबीन, फिर उसको भी अच्छा सा भून लेंगे नमक वगैरह मिला के। पड़ गई थी उसमें, फिर उसके बाद पूजा ने हल्दी डाला है, नमक, और जो थोड़ा सा मसाला डाला है, जो नॉर्मल मसाला होता है वही। तो ये बन रहा है देसी एकदम गाँव के स्टाइल में सोयाबीन मोमोस ना पूजा। फ्रेंड्स हमारी जो है ना मोमोज की फीलिंग जो है कि रेडी हो गई है, और ये देखिए अब पूजा जो है ना बनाने जा रही है, तो मैं भी जो है ना कि अब इसको जो है ना भरवा देते हैं मोमोज। और उधर देखिए ये ना टमाटर और जो है ना कि लाल वाली मिर्च जो है कि रख गया वहाँ पे उबलने के लिए, तो उसकी बनेगी चटनी, तो चटनी मैं बना दूंगी। और ये जो है ना चलिए फीलिंग फटाफट बनवाते हैं, बनाते हैं फिर गर्मा गर्म मोमोज। तो गाइस ये देखिए हमारी मोमोज की स्टफिंग भर के जो है कि रेडी हो गया है बस, और ये देखिए भगोने में रख दिया गया पानी, बस इसे पानी भाप आ जाएगा, फिर इसे रख भाप से जो है ना कि पक जाएगा, बस हमारा मोमोज रेडी हो जाएगा। और एक तरफ जो है ना मैं जा रही हूँ अभी चटनी बना लेती हूँ। तो गाइस आज हम लोग खाएंगे पूजा के हाथ का विलेज स्टाइल सोयाबीन मोमोज, तो चलिए फटाफट बनाते हैं फिर जो है कि गर्मा गर्म खाते हैं। तो गाइस जो है कि मोमोज हमारा बन रहा है, रेडी हो रहा है, और चटनी मैंने जो छौंक दी है धीरे धीरे पक जाएगा, फिर जो है कि रेडी हो जाएगा। और ये देखिए क्या लेके आई है सोना, पापा की परी, और पापा की परी में से क्या निकला है? बाहू बाहू पापा की परी में से बाहू वाली ब्रेसलेट निकला है भैया। ये क्या होगा सोना? ये सोना सानू लेने गई थी कुछ, तो ये देखिए ये क्या करोगी? अच्छा पापा की परी। तो गाइस ये देखिए पापा की परी कुछ इस तरीके का, बहुत ज्यादा ही गांव में मतलब बच्चे खाते हैं। देखिए कैसा लग रहा है सोना? अच्छा ठीक है। हमारा मोमोज जो है कि रेडी हो गया है, तो ये देखिए सबका निकाल गया है गिन गिन के सबको चार चार पांच पांच करके, और ये रही चटनी, तो बिल्कुल रेडी है, सबको दिया जाएगा खाने के लिए। तो चालों का
इतना ज्यादा एक्साइटेड है सना खाने के लिए कि मतलब इतना दिन से परेशान कर रखी थी। तो ये देखिए, इसी में ना थोड़ा थोड़ा चटनी ना बीच बीच में ना रख के सबको दे दो। तो गाइस ये हम लोगों का है, मम्मी है नहीं घर पे, तो मम्मी और पापा बाद में खा लेंगे, उनके लिए निकाल के रख गया है। खाते हैं और टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कैसा बना है। तो गाइस बहुत ज्यादा टेस्टी है। कैसा बना है? बहुत टेस्टी है। टेस्टी है ना? तो ये देखिए गाइस, इसके बाद प्रिंस ना गया था मार्केट, तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया था और घर में बन गई थी कचौरी, तो मेरी छोटी वाली बहन जो उन्होंने बना दिया था। तो ये देखिए शाम को हम लोग ना फिर कोल्ड ड्रिंक और कचौरी, और मम्मी क्या है ऐसे ही रहते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है, सब लोग इकट्ठा रहते हैं तो किसी भी टाइम बनाना खाना पीना घूमना सब कुछ लगा ही रहता है हम लोगों का है। तो ये देखिए हम लोग कचौरी खाएँगे और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। कहाँ शहर पे निकले हैं भाई हम लोग? बता दो कहाँ शहर पे निकले हैं? हम लोग निकले घूमने करने के लिए। इसके बाद गाइस ये देखिए हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए, थोड़ा खाना मतलब हैवी हो गया था थोड़ा सा शाम को ना, तो हम लोग घूमने निकल गए थे ऐसे ही। मम्मी पापा भगा देना कहा बाबू। हाँ कवन दुख सुख बतियावत है वो लोग, तनी अपन अपन मुंह दिखा वो लोग दोनों जने। दिखा दा, इतना हैंडसम लगा था तनी मुंह दिखा दा। तू कहा है दोनों जने बैठा लवा के ले, पहले ही बतावा है का बतियावत रहा है, बताओ लोग बतावा हाँ। तो गाइस ये देखिए हमारे गांव के बीचों बीच में बाबा साहब अंबेडकर की जो है कि प्रतिमा स्थापित की गई है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं कभी कभी घूमने के लिए। और ये देखिए पूरा ना मिट्टी पट रही है, अच्छा सा पार्क बनेगा ये, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा है, ग्राउंड है बच्चों के खेलने वलने के लिए। कोई जैसे कि कुछ शादी फंक्शन होता है जिसका मतलब जगह नहीं रहती ना, सब लोग इसी में करते हैं, तो यही है। तो आते हैं हम लोग हैं, और हम लोग का घर देखिए वो दिख रहा है ग्रीन कलर का, मेरा घर दिख रहा है इधर है, हाँ मैं दिखाती हूँ जूम करके। ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमारा घर ये। हाँ काफी ऊपर है ना बनाया हूँ। अरे वाह, आशीर्वाद ले लीजिए बाबा जी का, खूब पढ़ो आगे बढ़ो। भौजी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे बैठे हैं। ये देखिए, और ये देखिए गाइस ऊपर से कुछ इस तरह का दिख रहा है, कितना ज्यादा खूबसूरत व्यू लग रहा है। तो गाइस ये देखिए आज हम लोग यहाँ पर आ गए, फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ ऊपर यहाँ पर। तो ऐसे ही खाना वाना मतलब ऐसे ही गाइस दोपहर में थोड़ा सा हमने मोमोस वगैरह खा लिया था, फिर अभी जो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लिया था और थोड़ा सा कचौरी वगैरह खा लिया था ना, तो थोड़ा सा हैवी सा लग रहा था, तो हमने कहा चलो वॉक करके आते हैं। और खाना अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाने के लिए, तो सोचे रात के डिनर में सिर्फ सिंपल सी दाल चावल बनेगी बस, और कुछ नहीं, दाल चावल बनेगा बस यही। तो हम लोगों ने सोचा कि आज पहले ही जाते घूम के आ जाते, तो इधर प्लान बन गया कि आज इधर आते हैं घूमने के लिए। तो यही है, आ गए हैं घूमने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, सही में बिल्कुल खुला है ना चारों तरफ से ना, तो किधर भी आप चले जाओ बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आ जा पूजा, चप्पल सभी लोग चप्पल। तो गाइस ये देखिए भाभी जो है ना बड़े पापा की बहू है, लेकिन हम लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा भाभी से मतलब पड़ती है, और भाभी बहुत हम लोग को मानती है, और हम लोग भी मतलब लगता ही नहीं कि हमारे मतलब बड़े पापा की मतलब बहू हैं, मतलब हमेशा शुरू से ही हम लोग को खिलाए हैं गोद में, और शुरू से ही मतलब हम लोगों का ना मतलब भाभी अभी तीन बहनें हैं, तीन देवरानी जेठानी है, लेकिन तीनों में से सबसे ज़्यादा हम लोग बड़ी भाभी के से ज़्यादा ही जो है कि वो रहते हैं, इनके साथ मौज मस्ती मतलब घूमना फिरना कहीं भी जाना होता ना, तो हम लोग भाभी को बिना लिवाए जाते नहीं है, मतलब भी एकदम बिंदास रहती हैं। ऐसा नहीं है कि देखो दुख प्रॉब्लम सबके पास होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा दिखाएं कि नहीं हम दुखी हैं, तो ऐसी भाभी भी हैं ऐसी हम लोग भी हैं, मस्ती हमेशा ही करते रहते हैं अपना रहते हैं यहाँ पर। हाँ तो ज्यादा क्यों जने खाइबे मत करा, जे अपन खा ले तो बाद में फिर देखी इतना ल। तो गाय से देखिए आया घर में आम, और ये पूजा ना जब भी आता तब लड़ाई करती है। तो ये क्या करेगी ना, अभी सभी लोग खा लेंगे ना, तो ये छिपा के रख देगी,
जब बाद में रात में निकालेगी, इसीलिए प्लान में मम्मी अब मम्मी जा रही है सबको बांट के दे। आम के पीछे लड़ाई, बाहर ला बाहर ला। ये देखिए देखिए गाइस, देख कह रही है कि खाएगी नहीं, दो टुई देखी छिपा के रखने जा रही है। और मम्मी कहते बचल है अच्छा, यही पूछा था भाई ये मम्मी ये दबला है। गाइस दो पूजा चोरी कर लिए हैं और हम इतना मुश्किल से छीन के चोरी करके रखने जा रही थी तो ये ना सोनाली छीन लिया। और ये देखो कितनी खुशी हो रही है, खुशी ठिकाना नहीं, छीनेंगे तो जरूर छीनेंगे तो जरूर। तो गाइस ये देखिए जो आम के पीछे ना हम लोग आम के लिए, तो ये जो है ना कि भाई बहनों वाली जो लड़ाई होती है ना, तो यही हो रहा था हम लोगों का, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। और ये देखिए फिर ना हम लोगों की बिस्तरा लगा दिए, तो मच्छरदानी बिना लगाए नहीं सोते, पंखा लग जाता है, तो इसी तरीके से हम लोग सोते हैं। पापा खेत में सोते हैं, मम्मी और जो प्रिंस है ना बरामदे में सोते हैं, और हम लोग यहाँ पे सोते हैं। तो ऐसे ही मतलब अभी देखो ये दोनों ना पूजा और सोना ये सोएंगी नहीं, सब अभी भाभी के यहाँ जाएंगी सब घूम घूम के, तो फिर आएंगी फिर सोते हैं हम लोग। तो ऐसे ही करते हैं डेली, लगा होगा कि मच्छरदानी थोड़ी जाते हैं, भाभी के यहाँ बैठते हैं फिर उसके बाद आके सोते हैं। तो गाइस आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का है, मिलते हैं फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।